ओम श्री गणेशाय नमः। जय माता दी। हमारे प्रिय दर्शकों को वेद पंडित का नमस्कार। हमारे चैनल चमकते किस्मत में आपका स्वागत है। हम अपने वीडियो के माध्यम से ज्ञानवर्धक जानकारियां और उपाय बताते हैं, इसको अगर आप पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अपने जीवन में अपनाते हैं तो इससे आपको लाभ प्राप्त होता है। हमारा यही उद्देश्य है कि इस संसार से हर व्यक्ति खुश रहे और स्वस्थ रहे और उसे कभी भी किसी भी प्रकार का कोई कष्ट ना हो पाए। हम माँ गर्जिया देवी जी से आपके उज्ज्वल भविष्य के लिए प्रार्थना करते हैं। आज हम आपको एक ऐसा सरल उपाय बताने जा रहे हैं जिसको अगर आप पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो इससे आपके जीवन में चली आ रही स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां और गृह क्लेश की परेशानियां समाप्त हो जाएगी और आपके पास भरपूर मात्रा में धन का आगमन होने लगेगा और व्यापार और नौकरी में उन्नति प्राप्त होगी और आपको हर भौतिक सुखों की प्राप्ति होने लगेगी और आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। आप जो भी बात दूसरों से कहेंगे वो आपकी बात सुनेगा और उसे मानेगा भी, इसलिए आप इस उपाय को जरूर कीजिए। इससे आपके जीवन में एकदम से बदलाव आने लगेगा और कम मेहनत में ही आप अधिक धन लाभ प्राप्त करने लगेंगे। हम अपने विषय को आगे बढ़ाएं इससे पहले हमारा आपसे निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन का बटन जरूर दबा दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माँ गर्जिया जरूर लिख दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे अधिक से अधिक लोगों को हमारे इस उपाय से लाभ प्राप्त हो सके। अब हम अपने विषय पर पुनः वापस आते हैं। हम आपको शरीर के इस अंग के बारे में बताने जा रहे हैं जो कि हमारे शरीर का एक ऐसा महत्वपूर्ण अंग है जो कि हमारे जन्म लेते समय हमारी माँ के साथ जुड़ा होता है। इस अंग को हम नाभि कहते हैं। यह अंग हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है और इसका हमारे जीवन पर विशेष प्रभाव रहता है, इसलिए आपको इस नाभि में रोज अच्छे तरीके से साबुन लगाकर साफ करना चाहिए। अगर नाभि को आप रोज साफ नहीं करते हैं तो इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़े और घर में हमेशा कलेश बना रहता है और मन में अशांति रहती है और स्वास्थ्य भी खराब रहने लगता है, इसलिए आप नाभि को हमेशा साफ रखें। दूसरा काम आप ये करें कि नहाने के बाद आप इस पे थोड़ा सा पीला चंदन लगा लें और रात को सोते समय इसे साफ करके अच्छी तरीके से पानी से साफ कर लें और इसमें चंदन का शुद्ध तेल लगाएं। अगर आप रोज रात को लगातार नाभि में चंदन का तेल लगाते हैं और सुबह पीला चंदन लगाते हैं और फिर तेल लगाकर रात को सोते हैं तो इससे आपके चेहरे पर आकर्षण पैदा होगा और लोग आपकी बातें सुनने लगेंगे और आपको अपने जीवन में हर भौतिक सुख की प्राप्ति होने लगेगी। आपकी जो भी इच्छा होगी वो पूरी होगी। आपको व्यापार में सफलता मिलने लगेगी और नौकरी में भी उन्नति प्राप्त होगी और आपको धन आने के अनेक मार्ग मिलने लगेंगे और आपको कम मेहनत में ही अधिक लाभ प्राप्त होने लगेगा। कहने का मतलब है अधिक धन की प्राप्ति होने लगेगी और आपके घर में धन संचय भी होगा और व्यापार में आपको कम मेहनत में ही अधिक धन की प्राप्ति होगी और व्यापार में बहुत अधिक धन लाभ होने लगेगा और आपको अपने कार्य में बहुत अधिक सफलता मिलने लगेगी। आप ये उपाय जरूर कीजिए और अपने कर्म करते रहिए क्योंकि बिना कर्म के कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। सफलता आपके कदम चूमेगी। आप 41 दिन में खुद ही इसका चमत्कार देख सकते हैं। इस प्रकार की और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप हमारा चैनल चमकते किस्मत देखते रहिए। जय माता दी। धन्यवाद।